हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गांव कैमला में होने वाले कार्यक्रम को लेकर आज करनाल के लघु सचिवालय में किसान नेताओं की डीएसपी व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कार्यक्रम को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के उद्देश्य से किसान नेताओं के साथ मीटिंग की गई, जो बेहद शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वह कार्यक्रम का विरोध अवश्य करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गांव कैमला में आयोजित होगा, जिसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हक नहीं है, इसीलिए शांतिपूर्वक ढंग से अगर किसान विरोध जताते हैं तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं। अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य किया जाएगा तो कानूनी कार्यवाही अवश्य की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि किसान नेताओं के साथ बातचीत में निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कड़े तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई भी कार्यक्रम में शरारती तत्व अप्रिय घटना करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें किसान नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री महोदय भाईचारा बिगाड़ने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं, परंतु किसान यूनियन के आह्वान पर प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा और किसी भी शरारती तत्वों को प्रोग्राम में अप्रिय घटना के लिए रोका भी जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए लोगों से आह्वान किया कि वह सुबह 9 बजे घरोंडा टोल बैरियर पर पहुंचे और उसके बाद कैमला में होने वाली रैली स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करने में सहयोग दे। यहां हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, जिसके मद्देनजर आज किसान नेताओं के साथ लघु सचिवालय के सभागार में मीटिंग का आयोजन कर यह निर्णय लिया गया है कि किसान नेता प्रजातंत्र में विरोध जता सकते हैं, परंतु कानून व्यवस्था का अगर किसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्यवाही अवश्य की जाएगी। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। प्रपोज्ड है, ये गांव वालों की सहमति से ही है और बल्कि कल एक दो दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है और इसीलिए किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी है वहां पे नाके भी लगाए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पे तैनात हैं। किसानों ने क्या आश्वासन मीटिंग में क्या किसानों ने दो तीन किसानों से दो तीन मुद्दों पे बातचीत हुई है। एक तो यही मुद्दे पे बातचीत हुई है कि जो किसी भी तरह की तनाव और टकराव की स्थिति ना तो प्रशासन के साथ बने और ना ही लोगों के साथ बने, क्योंकि किसान जो रैली का विरोध करने की बात कर रहे हैं इसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा भी है काफी बड़ी संख्या में जो ये रैली के समर्थन में है और कई बार इनके आपस में टकराव की व्यवस्था बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसानों से सीधे सीधे इस मुद्दे पे बात हुई है जिसपे उन्होंने भी सहमति जताई है कि अगर कोई भी विरोध होगा रैली का तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी तरह की टकराव की व्यवस्था नहीं बनेगी, ना तो प्रशासन के साथ कोई टकराव किसानों का होगा और ना ही जो रैली में आने वाले लोग हैं उनके साथ टकराव होगा। फिर भी कोई असामाजिक तत्व अगर इस तरह की चीजें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं या जो रैली में लोग आ रहे हैं उनके साथ झगड़ा करके टकराव करके बदतमीजी करके बाधा उत्पन्न करते हैं तो प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस पर निपटेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस फोर्स हमने ऑलरेडी लगा दी है। विरोध कर रहे थे उसका तो क्या कुछ बातचीत हुई किसानों से? देखिए माननीय मुख्यमंत्री का कल जो 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और विभिन्न स्थानों पर नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनजर आज डीसी साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ जिला करनाल के
उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे, अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहां भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पर अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व है रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा। कैमला और आसपास के गांव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा तो काफी अग्रेसिव मूड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, अपने जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे जिले के जितने भी निवासी हैं, उनसे सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बात को रखने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, किसी को भी दूसरे का प्रोग्राम को बाधित करना, किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी सभ्य समाज के लोग हैं, हर को अपनी बात कहने का हक है और उसी ढंग से अपनी उसी उचित फोरम पर अपनी बात रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लोगों के बहकाव में आकर के या अफवाह पे ध्यान देकर के किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई ना करें। कितनी फोर्स हो जाएगी? देखिए, जितने हमें माकूल इंतजाम करने चाहिए, जितनी पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने उचित फोर्स हमें लगानी चाहिए थी उससे भी ज्यादा हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे आज जो मीटिंग? क्या बातचीत हुई है? प्रशासन ने हमें सुबह मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ना हो, उसी को लेकर हम अपना रणनीति बनाई हुई है, हम उस पर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया और हम उनकी बात सुनने आए। हमने उनको एक निवेदन भी किया, भाई माहौल को देखते हुए पूरे ज़िले के लाइन ऑर्डर बना रहे, आप इस रैली को किसी तरीके से कैंसिल करवाओ, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की 2-3 जगह से रैली कैंसिल हुई है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, वो अपना काम करेंगे, यदि रैली होती है पर हमने विरोध करना है ये हमारा फैसला है। सुबह टोल टैक्स पे हमारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, वहां से जहां रैली है हम उसकी ओर कूच करेंगे और एक कोशिश हमारी रहेगी, हम किसी तरीके का उपद्रव नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हमारे पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खासियत ये रही है, संसार में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो और इतना शांति प्रिय चला हो। हम विरोध के लिए निकलेंगे और वहाँ कैमला को जाएंगे और यही हम अपने भाइयों से अपील करते हैं। आप कल पूरे करनाल जिले से हजारों की संख्या में गोरोंडा टोल पर सुबह 8 बजे पहुँचे और हम अपना विरोध करेंगे इस प्रोग्राम का, और ये मुख्यमंत्री हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहा है ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब इन कानूनों पर बात करने का समय नहीं है, बात केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार हो रही है और सरकार भी मान चुकी है इन कानूनों में कमी है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का यारणा गलत है, हम इसका विरोध करेंगे, सभी भाई हम सुबह टोल टैक्स पर इकट्ठे होंगे। तो ये रैली होने देंगे या नहीं? हमारी पूरी कोशिश है भाई ये रैली ना हो, हम उसके लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी दूसरी चीज, हम विरोध के लिए हमने वहां पहुंचना है। अगली बात यह है, हमने जैसे इस आंदोलन की जो ताकत है उपद्रव होने से बचाना है, शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम वहां पर रैली के लिए उस एरिया जहां पर वो रैली है वहां के लिए कूच करेंगे। ओलक जी, आपने ये भी मीटिंग में भी कहा था कि हम किसी जिम्मेदारी पर आए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी तो आपने कही कि और भी कैडर आएंगे, तो आपने कहा था भी साहब को? अभी देखो, मुझे नहीं पता, जो अंदर की बात हमारी यही हुई है भाई, हम अपने जो कैडर की जिम्मेवारी लेते हैं, हम टोल टैक्स पे हमारा सारा कैडर सुबह इकट्ठा होगा, सारे हमारे लोग सुबह टोल टैक्स पे आएंगे, हम वहाँ से चलेंगे और हमें जहाँ पर भी हम जहाँ तक पहुँचा गया, जहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी शांति मेंटेन करने की और भाईचारे को मेंटेन करने की कोशिश हमारी है। और जो कल की घटना भी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें जैसे कुछ गुंडे हमारे आगे खड़े किए गए और आज स्थिति ये है कैमला गाँव में अब 3 बजे औरतों की भी पंचायत हुई है, गाँवों में भी पूरा जबरदस्त विरोध है, वो वहाँ से विरोध कर रहे हैं, हम इधर से जाएंगे और हम इस प्रोग्राम को किसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रोग्राम ना हो, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा विरोध करेंगे और हम गोरोंडा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे कैमले के लिए निकलेंगे। क्या समय रहेगा?
सुबह 8 बजे हमने अपने पूरे करनाल जिले के साथियों को टाइम दिया हुआ है और सभी वहीं पर आके लंगर छकेंगे। उसके बाद हम वहां से 9:30 बजे हम कैमला के लिए चल पड़ेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.